हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे सीटी एब्डोमेन का आर्टरियल फेज। सीटी एब्डोमेन के आर्टरियल फेज में हमें क्या क्या एनाटॉमी, कौन कौन सी आर्टरीज हमें विजिबल होती हैं, ठीक है, और कौन कौन से ऑर्गन हमें दिखाई देते हैं। इसमें तीन फेज होते हैं। अगर ट्रिपल फेज, अगर हम सीटी एब्डोमेन ट्रिपल फेज अगर हम देखें, पहला आर्टरियल, दूसरा पोर्टल और तीसरा वीनस फेज, ठीक है। तो पहले आज हम देखेंगे आर्टरियल फेज। तो कोई भी एब्डोमेन स्कैन करने से पहले हमें देख लेंगे कि एब्डोमेन स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं साइड्स, देख लेते हैं कोई कौन कौन से साइड है। ये वाला जो साइड है ये राइट साइड, और ये वाला साइड जो है ये लेफ्ट साइड है। ये वाला जो है ये है एंटीरियर पार्ट ऑफ बॉडी, एंड ये वाला जो पार्ट है वो है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बॉडी। ये जो आप लाइन देख रहे हैं नीचे, ये है टेबल का लाइन। ये वाला जो एक लाइन देख रहे हैं आप, ये टेबल का लाइन है। इसमें आपको सबसे पहले बेस ऑफ लंग दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जो साइड में लेफ्ट साइड, एंड दिस वन इज़ राइट साइड बेस ऑफ लंग। ये आपका हार्ट आ गया, उसके बाद ये आपका एओर्टा आ गया, ठीक है। अब चलते हैं स्कैन में नीचे की तरफ, टूवर्ड्स फीट हम स्कैन में बढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ पे जो ऑर्गन्स दिखाई देता है वो लीवर है, ठीक है। लेफ्ट राइट साइड में हमारा लीवर आ जाता है। उसके बाद में थोड़ा और नीचे चलते हैं तो हमें स्प्लीन दिखाई देता है, यहाँ पे स्प्लीन, और ये हमारा आ गया स्टमक। ये वाला जो है हमारा स्टमक है, ठीक है। ये वाला स्टमक और ये वाला स्प्लीन, कन्फ्यूजन नहीं होना, स्प्लीन नीचे होता है और स्टमक ऊपर होता है स्प्लीन के। और ये राइट साइड में हमारा लीवर आ गया है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ये हमारा एब्डोमिनल एओर्टा आ गया है। ये वाला जो है एब्डोमिनल एओर्टा, ठीक है। उसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं ये स्प्लेनिक आर्टरी है, राइट जो लेफ्ट साइड में वो स्प्लेनिक आर्टरी जो स्प्लीन में जा रही है। और ये जो हमारा राइट हिपेटिक आर्टरी है, ये वाली जो है वो राइट हिपेटिक आर्टरी है। ये वाला जो ऑर्गन देख रहे हैं आप थोड़ा सा डार्क में, ये वाला है हमारा गॉल ब्लैडर, ये वाला हमारा है गॉल ब्लैडर, ठीक है। उसके थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये हमारा आ गया पैनक्रियाज, ये हमारा क्या आ गया पैनक्रियाज, ये आ गया हमारा पैनक्रियाज बिल्कुल किडनी के ऊपर, यहाँ से किडनी स्टार्ट हो जाती है। और ये हमारा आ गया पैनक्रियाज, ये पैनक्रियाज का टेल है, ये वाला जो है टेल पैनक्रियाज का। ये आपका हो गया बॉडी इसका पैनक्रियाज का। और इसके बाद ये जो है, ये आपको जो दिखाई दे रही है वो नेक है, इसके सामने आप देखेंगे तो ये गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये आपके आर्टरीज लेफ्ट किडनी हमें यहाँ पे विजिबल होगी, लेफ्ट किडनी के बिल्कुल ऊपर पैनक्रियाज है, ठीक है। उसके बाद में ये जो निकल रही है एब्डोमिनल एओर्टा से जो आर्टरीज निकल रही है, इसको बोलते हैं सीलिएक आर्टरी, ठीक है। ये कौन सी है, सीलिएक आर्टरी। उसके बाद ये हमारी राइट किडनी यहाँ पे विजिबल हो गई है, और ये लेफ्ट किडनी। ये जो देख रहे हैं आप, ये है राइट रीनल आर्टरी, ये वाले जो राइट किडनी में सप्लाई दे रही है वो राइट रीनल आर्टरी हमें विजिबल हो रही है इसके अंदर, ठीक है। ये वाली जो है राइट रीनल आर्टरीज। उसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ चलते हैं तो ये हमारी आ गई लेफ़्ट रीनल आर्टरी। ये कौन सी आ गई हमारी, लेफ़्ट रीनल आर्टरी। यहाँ पे अगर ऊपर देखेंगे तो ये हमारा आ जाता है यहाँ पे हिपेटिक फ्लेक्चर, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है हिपेटिक फ्लेक्चर। ये हमारे असेंडिंग कॉलोन्स आ गए इस तरफ में, ये असेंडिंग कॉलोन। ऊपर देखेंगे तो आप ये रेक्टस मसल, राइट रेक्टस मसल, लेफ्ट रेक्टस मसल्स, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये एब्डोमिनल वॉल है, ये एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स होती है, ठीक है, एब्डोमिन की। ये एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स, ये होती है इंटरनल ऑब्लिक मसल्स, और ये ऑब्लिक मसल्स तीन पार्ट में डिवाइड होती हैं, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स, इंटरनल ऑब्लिक मसल्स, और ये एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स खाली इसको बोलते हैं, ठीक है। तो तीनों अलग अलग दिखाई दे रही हैं, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो वन सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। उसके बाद में आपका ये एब्डोमिनल एओर्टा यहाँ से चालू हो गया है, ये आपके असेंडिंग कॉलोन्स आ गए हैं इस तरफ में। उसके बाद में नीचे की तरफ चलते हैं, तो ये हमारा इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी हो गया, ये वाला हमारा इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, ये वाला हमारा हो गया इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, ठीक है।
उसके बाद ये जो हमारा एब्डोमिनल होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, नीचे की तरफ पेल्विस लोअर लिम एरिया में, ये देखो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, राइट फेमोरल आर्टरीज में और लेफ्ट फेमोरल आर्टरीज में, राइट फेमोरल आर्टरी और लेफ्ट फेमोरल आर्टरी में, ठीक है। ये हमारा पेल्विस का एरिया आ गया, ये सैक्रोइलियक जॉइंट आ गया हमारे दोनों ये वाले, ये हमारा वर्टी स्पाइन का पार्ट है सैक्रम का। ये हमारा आगे सैक्रम चल रहा है ये वाला, ठीक है। ये अगर देखेंगे तो आपके दोनों हिप जॉइंट, ये लेफ्ट हिप जॉइंट आ गया, ये राइट हिप जॉइंट, ये लेफ्ट फेमोरल आर्टरी, राइट फेमोरल आर्टरी, ये जो आप देख रहे हैं हल्का सा ये हो गया हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ये हमारा हो गया यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है इसमें, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा है प्रोस्टेट, ये हमारा है प्रोस्टेट। एब्डोमिन में आपका प्रोस्टेट नहीं कटना चाहिए, एब्डोमिन अगर स्कैन एब्डोमिन और KUB तो आपका प्रोस्टेट नहीं कटना चाहिए, ठीक है। ये आपका आ गया प्रोस्टेट, उसके नीचे फिर रेक्टम, और यहाँ पे हमारा सिटी एब्डोमिन आर्टरियल फेज ख़त्म होता है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट या कुछ भी है तो आप कमेंट करके नीचे लिख सकते हैं, हम आपको उसका नेक्स्ट वीडियो में आंसर ज़रूर देंगे। ओके, थैंक यू।